हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास ये मोटो का फ़ोन है। दोस्तों, मोटो के फ़ोन में यदि आपका अचानक टच हैंग हो जाता है या अचानक डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है या आपका साउंड स्पीकर रिंगर माइक तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है, दोस्तों तो ऐसा अचानक कोई भी प्रॉब्लम यदि आपके फ़ोन में हो जाता है तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ऐसा करने से आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों, तो आपको ये ट्रिक एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखना है। दोस्तों, यदि अचानक आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, मान लीजिए आपका मोबाइल का टच हैंग हो गया है या डिस्प्ले हैंग हो गया है या साउंड हैंग हो गया है, तो आपको क्या करना है, एक बार अपने फ़ोन को रिबूट करके देखना है। दोस्तों, और आप अपने फ़ोन को रिबूट करने के लिए क्या करना है, दोस्तों केवल पावर बटन को 10 से 20 सेकंड तक आपको प्रेस करके लगातार रखना है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पर हम पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है यहाँ पर रिस्टार्ट हो गया है। मोटो का ऑप्शन या मतलब एंड्रॉयड का ऑप्शन आ गया है तो ये मतलब हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो गया। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है अचानक दोस्तों कि मतलब हमारे फ़ोन में अचानक चलते चलते टच काम करना बंद कर देता है या अचानक डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है, डिस्प्ले पर हमारा कुछ भी नहीं दिखाई देता है, फ़ोन आता है फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, या मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा माइक स्पीकर रिंगर सब कुछ अचानक काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके फ़ोन में हो जाता है, अचानक से कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक बार आप अपने फ़ोन को रिबूट करके ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। और रिबूट करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। और रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, केवल पावर बटन को 10 से 20 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और आपके मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम कुछ भी रहेगा तो वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम पावर बटन को प्रेस करके 10 से 15 सेकंड तक रखेंगे तो हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा और हैंगिंग प्रॉब्लम जैसे टच हैंग, डिस्प्ले हैंग या साउंड हैंग या ग्राफिक हैंग, कुछ भी मतलब हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा तो आपका 100% सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब आप एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा, रिबूट और रिस्टार्ट करने में कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। और हो सकता है कि आपका हैंगिंग प्रॉब्लम हो और आपका पैसा बच जाए, तो एक बार आप अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा मान लीजिए टच नहीं काम कर रहा है तो आप अपने फ़ोन को रिबूट करके ज़रूर देख लीजिए, या माइक स्पीकर रिंगर या डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आ रहा है तो एक बार अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है कि आपका पैसा बच जाए दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। हैंगिंग प्रॉब्लम कोई भी रहेगा तो 100% आपका इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगा।